जय सोमेश्वर महादेव। साथियों, आज सावन का पहला सोमवार है और आज हम दर्शन करेंगे सोमेश्वर महादेव के। अति प्राचीन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम और भारत के 5 समुद्र तटीय जो पवित्र और प्रतिष्ठित स्थान है उनमें से एक है। बाकी 4 भी आपको बता दूं, गुजरात में द्वारका समुद्र के पास, उड़ीसा में पुरी, रामेश्वरम और तमिलनाडु में चिदंबरम। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ चंद्रदेव ने, जिनका एक नाम सोम भी है, उन्होंने भगवान शिव को अपना स्वामी मानकर दक्ष के श्रेय ग्रस्त होने के शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना और तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अमरत्व का वरदान दिया तथा प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा करने के लिए चंद्रदेव से कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगी। इस वरदान से सब लोग प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव फिर पूर्ववत सुधावर्षण का कार्य करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इस प्रभा क्षेत्र में माँ पार्वती के साथ निवास करें और भगवान ज्योतिर्लिंग रूप में माँ पार्वती के साथ यहाँ निवास करने लगे। अरब सागर से जुड़ा यह मंदिर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में प्रभासपाटन के नाम से प्रसिद्ध था। मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल में स्थित है। मंदिर पर कई बार बर्बर मुस्लिम आक्रमण हुए, लूटपाट की गई, जान माल का नुकसान हुआ। यह मंदिर कई बार बनाया गया किंतु यह मंदिर आज शान से खड़ा है। वर्तमान भव्य सोमनाथ मंदिर आज़ादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से बनना शुरू हुआ। यह चालुक्य शैली में बना है। इसकी वास्तुकला उत्तम है। मंदिर का शिखर 15 मीटर ऊंचा है, गर्भगृह के ऊपर बना है। गर्भगृह में पूजा केवल पुजारी करते हैं और गर्भगृह में शिवलिंग के सामने माँ पार्वती की मूर्ति है। मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मा जी विष्णु जी की मूर्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। शाम के समय मंदिर में लाइट एंड साउंड शो में सोमनाथ महादेव मंदिर का गौरवशाली इतिहास दिखाया जाता है जो नई पीढ़ी के लिए देखने योग्य है। वीडियो के अंत में मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ कि आप वीडियोस मेरे पसंद तो कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं दबा रहे और देख रहे हैं सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अंत में फिर कुछ काम की आध्यात्मिक बात। साथियों, हम तीर्थ में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, तो हम अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं। भगवान को अंतःकरण में रखकर तीर्थ करें, दर्शन करें। जब तक हम परमात्मा का बोध नहीं कर लेते
तब तक हमें ये पवित्र स्थान आश्रय तो देते हैं, जरूरी भी है दर्शन करना, किंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य निरंतर भगवान का चिंतन होना चाहिए। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।